नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मंगलवार देर रात 8:45 पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। जी हां, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद किया। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी पर पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ज़्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी पर पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना पर जीत बताकर देश को धोखा दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस की समस्या को इग्नोर करने का आरोप लगाया है। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है और संबोधन के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी समझ और दूरदर्शिता को छुपाने के लिए कोविड की स्थितियों की उपेक्षा की है। प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की बिगड़ती परिस्थितियों के बीच देश के नाम संबोधित किया। गौरतलब है कि कोरोना काल के वक्त देश में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिनमें बंगाल विधानसभा का चुनाव सबसे अधिक 8 चरणों में हो रहे हैं। बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं। कोरोना को लेकर के देश की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोरोना महामारी पर विजय बताकर लोगों के साथ धोखा किया है। मोदी का संकट की परिस्थितियों को संभालने का तरीका ये है कि पहले अपनी दूरदर्शिता और समझ को छुपाने के लिए समस्या को ही इग्नोर करो, उसके साथ अचानक ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और जीतने का झूठा दावा करो। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहे तो इसे दूसरों पर डाल दो और जब स्थिति सही हो जाए तो उसका क्रेडिट लेने के लिए अपनी भक्त आर्मी के साथ मैदान में उतर जाओ। तो प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है, देशवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। एक बार बड़ा हमला बोला है फिर से प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी पर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।